Hello everyone, welcome to the my channel, which is Learning Institute, and today I am going to discuss about how to prepare MSc Physics entrance exam. So let's start the discussion. So first we discuss the syllabus of the MSc entrance of nearly all the universities. So this is the syllabus. Section 1 is Mathematical Physics. Section 2, Classical Mechanics, Electromagnetic Theory, Quantum Mechanics, Thermodynamics and Statistical Physics. Section 6, Atomic Physics and Molecular Physics. Section 7, Solid State Physics and Electronics, Nuclear and Particle Physics. तो ये 8 सेक्शन हैं और 8 सेक्शन में लगभग 15 मार्क्स के नंबर आते हैं. 15 मार्क्स के या 15 क्वेश्चन कह सकते हैं. 15 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से. तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है, उसके हिसाब से उसी सेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है. पूरा कोर्स पढ़ने से तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो ज़रूरी ये है कि पहले सेक्शन डिसाइड कर लें आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन मजबूत है. बीएससी के दौरान कौन सा पेपर मजबूत रहा है उसके हिसाब से पहले डिसाइड करेंगे. इस 8 में से 4 सेक्शन ही बहुत हैं. कोई भी 4 सेक्शन आप चॉइस कर सकते हैं, जो भी पसंद हो. जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ हिस्से को मैथमेटिकल फिजिक्स का कुछ हिस्सा कर सकते हैं, जैसे लीनियर वेक्टर स्पेस से लेके सिंगुलरिटी और रेसिड्यू वगैरह, ये मैथ वाले लोग पढ़ते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ज़्यादातर चीज़ें फोरियर एनालिसिस तक कर सकते हैं. फोरियर एनालिसिस तक बीएससी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में. क्लासिकल मैकेनिक्स वाले सेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो चाहे तो आप इसे कट कर सकते हैं. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे इधर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, मास इनर्जी रिलेशन, और अदर चीज़ों को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़े नहीं हैं. उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में लगभग सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. अब डिपेंड करता है कि हमारा बीएससी में कैसा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हमें पढ़ना है या छोड़ना है. और अगर पढ़ना है तो विशेष रूप से इन्हें नहीं छोड़ेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन, स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, कूलम्स एंड लॉरेंज गेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी चीज़ें. अगर छोड़ना हो तो फिर पूरी तरह छोड़ देंगे, फिर इसमें नहीं आएंगे. क्योंकि कोई भी सेक्शन बिना कंप्लीट किए हुए A to Z आप दूसरे सेक्शन में न जाएं. क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीज़ें लगभग आसान है, उसको किया जा सकता है बड़े आसानी से. सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, सारा बीएससी का ही कोर्स है. इसमें टाइम पर्टर्बेशन वगैरह कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता, तो इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं. बाकी सारी चीज़ें किया जा सकता है, पॉस्टुलेट, अनसर्टेनिटी, श्रोडिंगर, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या छोड़ना है, और हमें वही छोड़ना है जो हमें पसंद नहीं रहा है बीएससी में, और वही चीज़ें पढ़नी है जो पसंद रहा है बीएससी के दौरान. और जो भी सेक्शन कब पढ़ने हैं उनको कंप्लीट पढ़ना है, उनमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है. हाँ, जिस सेक्शन को छोड़ना है उसे पूरा ही छोड़ सकते हैं. जिस सेक्शन में आप जाएँ उस सेक्शन को कम्प्लीट पढ़ें, वहाँ कुछ नहीं छोड़ सकते. थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सारी चीज़ें लगभग इजी हैं, बीएससी लेवल की हैं. इसमें एमएससी का पार्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एमएससी एंट्रेंस में कुछ एमएससी के पार्ट्स भी पूछे जाते हैं. तो लगभग सारी चीज़ें बीएससी स्टैंडर्ड की हैं. इन चीज़ों को ना मिस करिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं. एटॉमिक एंड मॉलिकुलर में आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसमें हाथ ना लगाएं. क्योंकि एटॉमिक होगा तभी आप कर पाएंगे मॉलिकुलर फिजिक्स को, अदरवाइज़ इस सेक्शन को
हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप कर नहीं पाएंगे। अगर एटॉमिक सेक्शन, हाँ अगर कुछ पार्ट कर पाते हैं तो कर सकते हैं, जैसे एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग, रमन इफेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रा, आइंस्टीन कोएफिशिएंट, लेज़र वगैरह में पढ़े हैं। ज़ीमैन अगर कर पाएँ तो अच्छी बात है। तो मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो चीज़ें हम करें, जिस सेक्शन में जाएं, उस सेक्शन को 100% करने की करें, सोचें। अदर सेक्शन नहीं करना है तो एकदम से छोड़ दें। जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कुछ पार्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड स्टेट, और उसके बाद का सेक्शन यहाँ से सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। तो अगर यहाँ आपको सिर्फ सॉलिड स्टेट फिजिक्स पसंद है तो फिर यहाँ तक पढ़ सकते हैं, यहाँ से शुरू करके। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पसंद है तो पूरा देखिए, अदरवाइज इसको ना टच करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। आप हल्का फुल्का केवल ट्रांजिस्टर पढ़ के क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो या तो पूरा पढ़िए या तो उसको स्किप करिए। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो इस सेक्शन में आपको करना है, चाहे आप सॉलिड को टच करें या इलेक्ट्रॉनिक से करें, इसको नहीं छोड़िए। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन को ना छोड़िए। और सारी चीज़ें लगभग बीएससी लेवल की हैं, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं कहीं क्वार्क मॉडल वगैरह यूनिवर्सिटियों में नहीं है बीएससी लेवल तक, तो इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। बाकी लगभग सारी चीज़ें एलिमेंट्री, फोटोन, ये सारी चीज़ें, एक्सेलेरेटर एंड डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें बीएससी लेवल तक हैं, तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आपके लिए एक सेक्शन ये न्यूक्लियर बन सकता है, दूसरा सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। और अगर किसी पार्ट में आप हाफ कर पाते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि आप मैथमेटिकल में हाफ ही कर पा रहे हैं, फ्यूरियर एनालिसिस तक कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग से फ्यूरियर एनालिसिस तक पढ़ पा रहे हैं, अदर चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो फिर किसी अदर सेक्शन से, सपोज़ करिए सेक्शन टू से आप कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, जैसे स्पेशल थ्योरी हो गया, रिलेटिविटी, लॉरेंज और ये सारी चीज़ें, तो ये आपका दोनों मिला के एक सेक्शन बन जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में सपोज़ करिए कि यहाँ से आप कुछ पार्ट छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को छोड़ के जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें पर्टर्बेशन या एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी ये सब नहीं होता है बीएससी स्टैंडर्ड तक, तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। तो इसकी भरपाई आप यहाँ से करिए, सेक्शन थ्री से। तो ज़रूरी नहीं कि आप फुल सेक्शन के सारे चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उन चीज़ों को पढ़िए जो अच्छे से आता हो, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सारे सेक्शन के सभी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में हर जगह कंफ्यूज रहेंगे, और आप एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग करके और फंस जाएंगे। ये सेक्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ कोई नई चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें बीएससी की हैं और लगभग हर यूनिवर्सिटियों में है ग्रेजुएशन स्तर पर, तो इसे कर सकते हैं। एटॉमिक का सेक्शन थोड़ा सा टफ है अदर यूनिवर्सिटियों के हिसाब से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सेक्शन टफ है। तो स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी ये है कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पढ़ना है, ये अगर जान गए तो बहुत आसान है एंट्रेंस निकालना किसी भी यूनिवर्सिटी में। बसरते ज़रूरी है कि हम किस सेक्शन में किस टॉपिक को टच कर रहे हैं, और जिस टॉपिक को हम टच करें उसे 100% दें, कि वहाँ से आए कोई भी क्वेश्चन तो ना छूटे, अदर सेक्शन भले हम ना कर पाएँ। जनरली 30%, 33%, 50% पे भी एडमिशन हो जाता है, तो आपको फुल कोर्स नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। सो स्मार्ट बनिए, वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें, जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है फुल कोर्स पढ़ने का। आप वही चीज़ें पढ़िए जो बीएससी लेवल तक आती हैं।
अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि बिना समझदारी के एंट्रेंस नहीं निकलेगा। आप अच्छे मार्क्स बीएससी में पा सकते होंगे, पा सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस में आप जो चीज़ें अच्छे से जानते हो सिर्फ उसी को पढ़िए। न्यूमेरिकल वाइज थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, कुछ यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में थ्योरेटिकल ज़्यादा आती हैं, जैसे बीएचयू वगैरह में थ्योरेटिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थ्योरी पार्ट लगभग ज़्यादा ही रहता है बीएचयू एंट्रेंस में, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो कोई कठिन काम नहीं है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।